Now, after discussing basic agenda of pointers, next one we are continuing one by one all sessions of pointers. In that case, we want to discuss in just four basic topics. First one, we are discussing definition of pointers. Next one, syntax of pointers. Third one, what are the operators are available in C related to pointers. Finally, fourth one, we are creating some C program using pointer. Then we are creating a stack diagram using pointer memory representations. फर्स्ट वन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर्स मींस डेफिनेशन यहां आपको रटना नहीं है मींस सिंपली इसको समझना मीनिंगफुली डेफिनेशंस को लेकर बात करें पॉइंटर को ये फर्स्ट वन पॉइंटर आपके लिए कोई स्पेशल केस नहीं है पॉइंटर इज अ सिंपली जस्ट वेरिएबल्स सर व्हिच वेरिएबल कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंटर वेरिएबल मींस पॉइंटर्स क्या है पॉइंटर इज अ वेरिएबल्स मींस बिगिनिंग सेशन में डिस्कस किया था मैंने How many types of variables are available in C language? C language के अंदर variables के classification two different ways में write down की थी. First classification perform कराया था मैंने based on purpose and positions. Different purpose और different positions के basis पर variables कितने types के थे? Two types के. Just local variables और global variables. Local and global variables same as second classification perform किया था variables का based on types of stored contents किसी variables को create करने का main purpose क्या था just storing some contents और data किसी variables में generally two types के contents store करना possible है two types का data store करना possible है means either value or address nothing else either any variable can store only either value और मेमोरी एड्रेस अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है सिंपल प्रिमिटिव डेटा लाइक x इक्वल्स टू 10 20 और x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू 2.5 एंड सो ऑन इस केस में 10 क्या प्रिमिटिव वैल्यूज a क्या प्रिमिटिव वैल्यूज 2.5 क्या प्रिमिटिव वैल्यूज जस्ट बेसिक वैल्यूज कंसीडर करो एज अ प्रिमिटिव वैल्यू अगर किसी वेरिएबल्स में ओनली वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल है इस वेरिएबल को आप नेम दोगे एज अ primitive variables division किसके basis पर प्रभुंगे based on types of stored content some variable like that variable is a containers या तो इस variable के अंदर directly value store कराना possible या फिर memory address अगर किसी variable में value store कराना possible then इस variable को consider करेंगे जब primitive variable if any variable can store only memory address known as pointer variables means finally simple basic definitions क्या है pointers का pointer is a variable which can stores memory address of another variables अगर किसी भी variables के अंदर address store करना possible then इस variable को आप name दोगे एज अ pointer variable next one वैल्यू प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स को आप डिफरेंशिएट कर कैसे करो मींस जस्ट किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का बेसिक सिंटैक्स क्या रहता है व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल्स ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जस्ट सिंटैक्स क्या है डेटा टाइप और स्टोरेज क्लास आफ्टर दैट डेटा टाइप वी आर इग्नोरिंग हियर स्टोरेज क्लासेस जस्ट डेटा टाइप और वेरिएबल नेम्स और समथिंग वेरिएबल वैल्यू लाइक दैट अगर किसी भी वेरिएबल को सिंपली डेटा टाइप का यूज करके क्रिएट करें तो इसको नेम देंगे एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सेम एज पॉइंटर डिक्लेरेशंस कैन बी डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन देयर सिंटैक्स लाइक दैट अगर सेम वेरिएबल स्पेशली स्टार का यूज करके आप क्रिएट कर देते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को आप नेम दोगे एज अ पॉइंटर्स वन मोर थिंग्स अगर किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन एस्ट्रिक का यूज करके प्रोवाइड किया जाए इस वेरिएबल को स्पेशली नाम देंगे एज अ पॉइंटर वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर ओनली मेमोरी एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल और नॉट अ वैल्यूज क्लियर इसके अलावा वन मोर थिंग्स स्टार को लेकर बात करें स्टार मीन्स इस केस में टोटल पॉसिबल डिक्लेरेशन क्या होंगे डेटा टाइप स्पेस स्टार स्पेस वेरिएबल नेम और पॉइंटर नेम सेम एज वन मोर सिंटैक्स डेटा टाइप वी आर यूजिंग शॉर्टकट्स डेटा टाइप स्टार वेरिएबल नेम सेम एज डेटा टाइप स्पेस स्टार वेरिएबल नेम सेम एज डेटा टाइप स्टार वेरिएबल नेम देयर इज नो स्पेस मीन्स चारों के चारों डिक्लेरेशंस कैसे हैं इनके मीनिंग्स कैसे हैं
एग्जैक्टली सेम मीनिंग, इसके मीनिंग्स सॉरी सिंटेक्सिस डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस। मीन्स आप पॉइंटर वेरिएबल सिंपली स्पेस भी प्रोवाइड कर सकते हो, विदाउट स्पेस भी क्रिएट करना पॉसिबल है। मीन्स डेटा टाइप्स के प्लेसेस पर आप यूज क्या करोगे, एनी प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स स्ट्रक्चर टाइप, वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट सेशन अबाउट स्ट्रक्चर्स, इन दैट केस वी आर क्रिएटिंग ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक int star p, same as char star, means data type के places पर किसी भी type का data type use करना possible है। Then आप means किस basis पर identify करोगे pointer का data type क्या use करना चाहिए, means next session में details में discuss करेंगे that things, means which type of data type will be applied for any variables or any pointer variables। In that case, first definition, pointer is a variable which can store memory address of another variables। सेकेंड डेफिनेशन, पॉइंटर इज अ ड्राइव्ड डेटा टाइप। व्हाट डू मीन बाय ड्राइव्ड डेटा टाइप्स, एनी डेटा टाइप विच इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन और बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा टाइप नॉन एज ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप का सिंपल मीनिंग क्या है, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके जब भी कोई न्यू डेटा टाइप क्रिएट करोगे देन इस न्यू वन डेटा टाइप को ऑलवेज नेम देंगे एज अ ड्राइव्ड डेटा टाइप। मीन्स फाइनली इस केस में आप चेक कर रहे दिख रहे हो पॉइंटर्स को क्रिएट करने के लिए डेटा टाइप के इसके हेयर इंट इज अ एग्जिस्टिंग डेटा टाइप और न्यू डेटा टाइप क्या है इंट स्टार। इसके इंट स्टार क्या है डेटा टाइप पी इज अ वेरिएबल नेम्स। मीन्स अगर आपके पास कोई सिंटेक्स अवेलेबल है लाइक दैट इंट स्टार पी, मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है इसके इसमें वेरिएबल नेम क्या है और वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो वेरिएबल नेम्स की बात करें तो नेम क्या है इसके इसमें पी और स्टार पी। व्हाट इज द वेरिएबल नेम इज हियर पी और स्टार पी, ओनली पी नॉट अ स्टार पी। दिस इज द बिग कन्फ्यूजन फॉर यू, मीन्स आपके केस में आप इसको कंसिडर करते हो वेरिएबल नेम इज अ स्टार पी नॉट अ स्टार पी, बिकॉज वेरिएबल नेम्स के केसेस में स्टार्टिंग मैंने रूल्स डिस्कस किए थे। व्हाट इज द रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, जस्ट वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन्स ओनली अल्फाबेट्स डिजिट्स और अंडरस्कोर। मीन्स वेरिएबल नेम के अंदर अल्फाबेट्स डिजिट्स और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी अदर सिंबल यूज करना पॉसिबल नहीं है। इस केस में अदर सिंबल क्या है स्टार, स्टार नॉट अ पार्ट ऑफ वेरिएबल नेम, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा टाइप। क्लियर, हियर पी इज अ वेरिएबल नेम्स एंड इंट स्टार इज अ डेटा टाइप, डी टी मीन्स डेटा टाइप। हर int star is a type of p, means p का type क्या है int star p itself क्या है variable names। clear, this is the basic syntax for declaring pointers। one more things, means एक single declarations के through multiple variables create करना possible। अगर आपने write down किया like that int star p comma q, इस केस में p और q का data type क्या है, means पूछा क्या जाएगा आपसे what is the data type of p data type of q। P के रेस्पेक्ट में बात करें तो P का डेटा टाइप क्या फाउंड हो रहा है सिंपली इंट स्टार, इंट स्टार इज अ डेटा टाइप ऑफ P। मीन्स अगर आपने स्टार अप्लाई किया था ना स्टार ओनली नेक्स्ट वेरिएबल्स के लिए इंप्लीमेंट होगा नॉट फॉर अदर वेरिएबल्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर वेरिएबल्स। मीन्स Q की बात करें तो Q का टाइप क्या है ओनली इंट नॉट अ इंट स्टार। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ Q, डेटा टाइप ऑफ Q इज इंट। क्लियर, नेक्स्ट अगर आपको सिंगल डिक्लेरेशंस में एक से ज्यादा पॉइंटर्स क्रिएट करना है तो इस केस में आप सिंटैक्स फॉलो करोगे मीन सभी वेरिएबल्स के लिए इंडिविजुअली स्टार अप्लाई करना कंपलसरी है, स्टार पी स्टार क्यू लाइक दैट। अगेन हियर वेरिएबल नेम इज अ पी, हियर वेरिएबल नेम इज अ क्यू नॉट अ स्टार क्यू। मीन्स क्यू का भी डेटा टाइप क्या है इंट स्टार, पी का भी डेटा टाइप क्या है इंट स्टार, देयरफॉर टाइप ऑफ पी इज इंट स्टार, ऑल्सो टाइप ऑफ क्यू इज int star। clear, so the basics about pointers, in next session we are discussing what is the operators are related to pointers or introduced especially in pointer topics and example program related to pointers।